खरल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? यकीनन नैब का किरदार तो सवालिया निशान है ही, लेकिन अब जो फायदा इसहाक डार को हो गया है, क्या इससे मुल्क को कोई फायदा होगा या सिर्फ नून लीग के लिए ये सूदमंद होगा ये फैसला? देखिये, बदकिस्मती इसको कह लें या कुछ किस्मती कहें कुछ लोगों के लिए और मुल्क के लिए, इसको बदकिस्मती कहा जा सकता है कि यही नैब जो है, इसी नैब ने ये केसेस बनाए हैं, इसी नैब ने ये पूरी कौम को बताया है कि इन्होंने नजायज राय से, नजायज आमदन जरिया आमदन से इन्होंने ये असासे बनाए, और इसी नैब ने इंक्वायरी की, इसी नैब ने इन्वेस्टिगेशन की, इसी नैब ने एविडेंस लाया, इसी नैब ने इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट किया, फिर उसको रेफरेंस में लेकर अदालतों में गया। अब आप देखें कि बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, वही नैब जो है अब अदालतों में जाके वो आपको कैसा नजर आएगा कि आप ये तो केस बनता ही नहीं था। भाई अगर केस बनता ही नहीं था तो आपने पूरी कौम के पैसे और वसाइल और रिसोर्सेज जो है वो जाया क्यों किए? आपने एक बेगुनाह आदमी को क्यों इस तरह विक्टिमाइज किया? क्या आप किसी के अहलकार बने हुए थे? क्या आपने मोटिवेटेड केसेस बनाए? क्या आपने ये झूठे केसेस बनाए? और अगर ये आप मानेंगे आपके ये केसेस झूठे थे, तो फिर वो चेयरमैन नैब से लेकर उसके इन्वेस्टिगेशन अफसर और प्रोसिक्यूटर तक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई इदारा किसी बंदे को एक बिना जवाब गलत केस बनाता है, क्या उनका भी कोई हिसाब नहीं होना चाहिए? कि ये तमाशा है कि ठीक है जी, दो चार साल का केस बना लिया, जब दूसरी हुकूमत आई तो वही इदारा जो है वो यू टर्न लेके दूसरी तरफ हो जाता है, तो ना उसको अदालतें पूछती हैं, ना उसका कोई मुआवजा होता है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ना तो किसी ताकतवर बंदे जो है इनको कानून के कटहरे में लाया जा सकेगा, ना किसी रिकवरी होगी और ना ही कभी तक कभी भी मंत्री अंजाम तक पहुंचेंगे। और अगर यही सिलसिला आंख में जोड़ लिया आपने, खेलनी है तो बेहतर है इसके दारों को बंद कर दिया। ऐसे खाम खा ये स्वैद हाथी बांध के कौम पर इन बोझ ही बनना है। देखिए, 30 साल से हम सरदारी और नवाजी के केसेस के हवाले से ये सुन रहे हैं खबरें और इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज और हाईलाइट चीजें सारी होती हैं, केसेस जाते हैं, लेकिन जब वो मंत्री अंजाम तक पहुंचने लगते हैं, हुकूमतें जो उनकी मुखालिफ होती हैं या जो उनकी हुकूमतें जब नहीं होती, उनके दौर में वो केसेस बड़े एक्टिवली चलते हैं, और जब इन लोगों की हुकूमतें आती है तो वो केसेस बंद हो जाते हैं। इदारे वही होते हैं, वही इन्वेस्टिगेशन, वही चीजें, वही एविडेंस, वो एकदम से वो जीरो हो जाती हैं। सर, क्या आपको लगता है इसकी वजह से जो है जो फैसला सामने आया है, नवाज शरीफ के लिए भी ये फायदेमंद होगा आने वाले केसेस के हवाले से अगर हम बात करें तो? ये नवाज शरीफ के लिए, इसहाक डार के लिए, जरदारी साहब के लिए, और इनके जितने भी ये 30 साल से जो हुक्मरान रहे हैं ये दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनके सारे लोगों के लिए बेनिफिट्स होंगे, और मुल्क को जो अरबों रुपए इन्होंने लूटे हैं, जो केसेस बने थे, जो आ सकते थे, जो इम्कान था, जो उम्मीद थी, अब वो मेरा ख्याल है वो उम्मीद जो है उसको भी हमें कुछ फैमिली का जो है शिकार हम थे उसको हमें निकाल देना चाहिए जेल से, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ कभी भी पाकिस्तान में कभी भी इनके लिए कानून जो है वो हरकत में नहीं आएगा, इनसे कभी रिकवरियां नहीं होगी, इनके खिलाफ कभी भी जो है इनके केसेस को जो है मंत्री अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा। तो बेहतर है इनफर्टाइल एक्सरसाइज की बजाय कि ठीक है आपने NRO पहले भी इन लोगों को मिलता रहा, अभी मिल रहा है, और ये तो पहली दफा नहीं हो रहा, हर 5 साल बाद यही तमाशा लगता है, केसेस बन रहे हैं, अब केसेस बंद हो रहे हैं, फिर केस खुल रहे हैं, फिर केसेस रीओपन हो जाते हैं, फिर केसेस बंद हो जाते हैं। ठीक हो गया असद खरल साहब, आपका ओपिनियन भी